जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो आज भगवान शिव के ऊपर होने वाली है, शंकर जी के ऊपर। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत छोटे वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा। देखिए, ऐसा है, ज़्यादातर लोग जो शंकर जी की पूजा करने वाले हैं वो कहते हैं कि शंकर जी की पूजा क्या सौम्य रूप में ही होती है या उग्र रूप में भी होती है। दोस्तों, शिव जी के कई रूप हैं, सौम्य और मध्यम, उग्र और अति उग्र और महाउग्र, ठीक है ना। तो जो इसमें जो अघोरी शिव हैं, जो अघोरी शिव हैं वो महारुद्र हैं, वो उग्र हैं, उनकी उग्र रूप में उपासना होती है और ये करने वाले के ऊपर भी होता है कि वो किस रूप में करना चाहता है। तो भोले शंकर की सबसे प्राचीन देवता के रूप में भी पूजा होती है, आदि शंकर के रूप में, ठीक है ना। इसका मैंने आपको एक वशीकरण मंत्र बताया था भगवान शिव का, ओम नमो आदि पुरुषाय वाला, ठीक है ना। तो भगवान शिव की कई कई चरणों में, कई रूपों में पूजा होती है। ज़्यादातर लोग शिव जी के रूप में, सौम्य रूप में पूजा करते हैं, तो वो है। और कई मतलब लोग हैं वो उग्र रूप में पूजा करते हैं, अघोर शिव की पूजा करते हैं, वाम मार्गी तरीके से करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काल भैरव शिव का रौद्र रूप है। जो काल भैरव हैं वो शिव का क्रोध रूप है, समझ लीजिए। वो रूप शिव को इसीलिए धारण करना पड़ा कि सारी जो चीज़ें हैं जो सौम्य उसमें नहीं आती हैं पद्धति में, वो शंकर जी से उसमें प्राप्त हो जाएं उग्र रूप में, यानी कि काल भैरव के रूप में। काल भैरव की उपासना करने से पहले एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मुझसे कि क्या शंकर जी और काल भैरव में समानता है। देखिए मित्रों, समानता होते हुए भी असमानता है। वो कैसे मालूम आपको? वो ऐसे इसलिए हम असमानता है उसमें कि जैसे हम काल भैरव को करते हैं, याद रखिएगा देवता का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य आता है। जो देव शक्ति होती है, आज यदि आप मन से ध्यान से उस चीज़ को कर रहे हैं तो देवता का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य आएगा। अवश्य कैसे आएगा? अवश्य ऐसे आएगा मित्रों कि देखिए क्या होता है, लोग जो भी देवता की पूजा वगैरह करते हैं तो उसके भाव के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो देवता का जो भाव होता है वो भी व्यक्ति में आता है। फिर जैसे कि सौम्य देवता की पूजा करेंगे तो वो अति सौम्य होंगे। आप कृष्ण के भक्तों को देखिए, अति सौम्य विनम्र वाणी होगी उनकी। और काल भैरव की, महाकाली की, बगलामुखी के, इनके साधकों को देखो तो इनकी उसमें भारीपन होगा। तो वो चीज़ समझिए आप, थोड़ा सा अंतर अवश्य आता है। तो वो व्यक्ति को समझने के ऊपर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस अंतर को कवर कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं इस अंतर को कवर नहीं कर पाते, मतलब उन पर वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हावी हो जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जो रूप का प्रभाव होता है उससे बच पाते हैं, वो बिरले होते हैं। बिरले इसलिए होते हैं कि उनको पूरी जानकारी या पकड़ होती है तंत्र पर, वही इस चीज़ से बच पाते हैं, इस रूप से बच पाते हैं। तो वो सब चीज़ भी समझनी पड़ेगी आपको, वो भी समझना पड़ेगा आपको। तो वो सब चीज़ भी है। कई लोग शिव की अघोर के रूप में पूजा करते हैं, अघोरी शिव की पूजा करते हैं, ओम अघोराय ह्रीम बम हूम फट स्वाहा। तो कर्रे मंत्र हैं ये, कड़क मंत्र जिसको कहते हैं हाथ कंगन को आसी क्या फड़े, देखो गुहार करके देख लो उसको, तरह ऐसे मंत्र होते हैं ये। लेकिन इसको बिना आज्ञा के, गुरु की आज्ञा के या अच्छे गुरु मिलने के बाद ही इन मंत्रों को किया जाता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहाँ कुछ काम बनने चाहिए उसके बजाय उल्टा हो जाता है। मेरी जानकारी में अब तक हजारों ही होंगे कम से कम, ऐसे आ चुके हैं कि गलत तरीके से देवता की पूजा करने की वजह से नुकसान उठा बैठे हैं। जिस देवता को भोग कोई और देना चाहिए और भोग कोई और दे दिया, तो वो देवता ना आकर के कोई गलत खतरनाक चीज़ आकर के हावी हो गई, क्योंकि वो चीज़ें प्रसाद उस देवता का था ही नहीं। तो वो सब चीज़ें भी समझनी चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी व्यक्ति को, क्योंकि क्या होता है ना, जिस चीज़ को
भगवान शंकर की, मतलब शंकर की पूजा में आप उसके उल्टे चीज़ें लगा दो तो वो बड़ा गलत है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण की पूजा में अगर किसी ने दारू लगा दी तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या चपेट पड़ेगी उसमें, वो भी समझ लीजिए, ये भी होता है। तो जो विपरीत चीज़ है वो कैसे आप कर लेंगे, विपरीत चीज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो आप जो करेंगे वो उसके समय मतलब समानांतर ही होगा। भगवान शंकर की जो सबसे उत्तम मंत्र होता है, जो मेरे अनुभव में आया है, वो पंचाक्षरी में रोम बीज को जोड़ करके, रोम बीज का संपुट लगा करके जो पंचाक्षरी मंत्र किया जाता है वो सबसे उत्तम आया है। उसमें ओम भी लगा सकते हैं और बिना ओम के भी कर सकते हैं। मतलब बता बताओ कैसे, ह्रोम नमः शिवाय, ह्रोम एक तो जी हो गया, ह्रोम ओम नमः शिवाय ह्रोम, ये पंचाक्षरी नहीं, इसमें जो प्रणव आ गया ना तो ये भर जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये मंत्र का जो विधान मैंने कई बार दिया है, इसके तीन चार विधान हैं, तो इसमें मैंने दो विधान तो दे दिए हैं अब तक यूट्यूब पर, एक विधान मैं आपको और दे रहा हूँ आज। तो देखिए ये बहुत उत्तम और तगड़ा मंत्र है, तो इसका विधान मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल संकल्प लेकर के, संकल्प लेकर के आप इसे करिए, ठीक है। इसका यूँ कहते हैं 12,000 जप, इसके रोज चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन 12,000 जप कौन करेगा, मुश्किल है करना, क्योंकि ये 120 माला आए, वो पंचाक्षरी से बड़ा है ये, तो 120 माला करने की वैसे कर लेंगे, करने वाले आराम से, जिनके जिनकी बैठक है 2-3 घंटे की, वो आराम से कर लेंगे। बाकी मंत्र तगड़ा है, प्रभाव तगड़ा, चेतक वाले मंत्र हैं और इनके प्रभाव देखे जाते हैं, जिसको कहते हैं ना प्रभाव देखना, उनके देखे जाते हैं प्रभाव, तो आप देखें करके, ठीक है ना मित्रों। और जो इसका संपूर्ण जप है वो 12 और 24 लाख का है, 12 या फिर 24 लाख का इसका संपूर्ण जप है और प्लस हवन, फिर इसका चमत्कार देखिए आप। इस मंत्र को जो कहते हैं ना लोग कि हाँ हम कुछ चेतक देखना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इस तरह से, तो इसका आपको चेतक दिख जाएगा। और कठिन परिस्थितियों में ये मंत्र अचूक काम करता है, कठिन परिस्थितियों, क्योंकि भगवान शंकर है ना, भोले शंकर, वो कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले देवता हैं, तो आप इसको करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं जो मेरा दूसरा चैनल है मित्रों, उस पर मैं डालने वाला हूँ जानकारी थोड़ी सी, ठीक है ना। दूसरा चैनल आपको मालूम ही होगा जो मेरा चैनल है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी सी जानकारी मैं डालूँगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ जा करके वीडियो को देखें और उसका लाभ, चैनल का नाम आपको मालूम ही होगा, अघोर एवं सावर मंत्र रहस्य, अघोर एवं सावर मंत्र रहस्य। उसमें भी 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं मेरे, जबकि उसमें मैं वीडियो नहीं डालता जाता। चलिए ठीक है मित्रों, तो उसमें मैं डालता हूँ एक बहुत बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो। चलिए मित्रों, जय माता रानी, जय माँ भवानी, सभी मित्रों को जय माई की, और चिंता ना है काई की।